नमस्ते मित्रों, फिर वही मेरा प्रकाशित काव्य संग्रह युद्ध तुम्हें करना ही होगा। और इसकी एक कविता है, इसका शीर्षक है आज एक ऐसा क्षण आया है, या उस समय लिखी थी हमने जब वो कोविड-19 कोरोना काल था, विद्यालय सब बंद हो गए थे और सड़कों पे लोगों का चलना मना हो गया था। ये उस समय उस परिवेश में लिखी हुई कविता है। कहीं युद्ध का नाद न देखा, कोई शस्त्र विवाद न देखा, फिर भी सकल विश्व भाल पर खींची हुई चिंता की रेखा, सकल विश्व ही थर आया है, आज एक ऐसा क्षण आया है। सीमाओं के सारे प्रहरी अस्त्र शस्त्र संग सजग खड़े हैं, क्या नभ में क्या जल में थल में शस्त्र सुसज्जित डटे पड़े हैं। सबके सब हैं तत्पर, लेकिन किसी ने न मर्यादा तोड़ी, सीमा पर ले शस्त्र खड़ा जो चला सका न एक भी गोली, लेकिन यह जग घबराया है आज ये कैसा क्षण आया है। प्रक्षेपास्त्र भी खड़े यथावत, अणुबम भी हैं पड़े यथावत, लाखों लाख सैन्य बल लेकर महाशक्तियाँ खड़ी हैं जड़वत, इनको किसने धमकाया है आज ये कैसा क्षण आया है। गरज रहे थे जो नेतागढ़, आज बड़े चुपचाप खड़े हैं, निज जन क्षेत्र बचाने हेतु जोड़े अपने हाथ खड़े हैं, जाने कौन विकट आया है आज ये कैसा क्षण आया है। चीन देश से चली बीमारी अतिशय घातक प्रलयंकारी, जो चीनी जन यूरोप आए संग संग अपने कोविड लाए, पीड़ित जन के संसर्गों से कोविड पड़ा यूरोप पर भारी, क्या इटली क्या फ्रांस जर्मनी नए विश्व पर मंडराया है, नया विश्व अर्थात अमेरिका, क्योंकि सर्वाधिक मृत्यु जो है वहीं अमेरिका में ही दिखाई जा रही थी उस समय, आज एक ऐसा क्षण आया है। क्या उत्तर क्या पूरब पश्चिम मध्य पूर्व और लैटिन दक्षिण अरब फारस पूर्व एशिया स्पेन ब्रिटेन कोरिया मलेशिया सार्क अर्थात दक्षिण एशिया दक्षेश जिसको कहा जाता है, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान ये सब मिला करके सार्क पर्थ और न्यूजीलैंड पर पर्थ ऑस्ट्रेलिया संकट बनकर यह छाया है आज ये कैसा क्षण आया है। कोरोना की यह बीमारी करती निस्दिन छापा मारी, सामूहिकता को गोली मारो गृहबंदी बन निज स्वास्थ्य सुधारो, भीड़ भाड़ सामूहिकता ने इसको व्यापक फैलाया है आज ये कैसा क्षण आया है। अब इटली का हाल सुनो तुम, यूरोप में सर्वाधिक प्रभावित देश इटली ही था। अब इटली का हाल सुनो तुम, स्वास्थ्य सेवाओं में दो नंबर, विश्व में इसका दूसरा स्थान था, हुआ सामना कोरोना से सच में सिद्ध हुआ दो नंबर, अर्थात जो कहा जाता है ना कि नकली दो नंबर सिद्ध हो गई उसकी स्वास्थ्य सेवाएं, तो भयकारी महामारी से बचने का अवसर आया है आज ये कैसा क्षण आया है। निज नेता की तुम बात सुनो, शिक्षा पूर्वक गृहवास चुनो, यह महामारी अति व्यापक है, क्या पता कौन संवाहक है, माना हो तुम बड़े मिलनसार पर इस गुण को करो नमस्कार, ऐसा कर रक्षित कर लो तुम मित्र नगर विश्व घर द्वार, सामाजिक बिलगाव की बातें विशेषज्ञों ने समझाया है आज ये कैसा क्षण आया है। स्वास्थ्य नियम का करो तुम पालन, करते रहो हस्त प्रक्षालन, आँख नाक और मुख न छुओ, स्वच्छ रखो तन मन घर आंगन, यही कोरोना कवच बना है सबने इसको अपनाया है आज ये कैसा क्षण आया है। और एक उदाहरण दिया गया है सीता जी का, इसमें त्रेता युग में लक्ष्मण रेखा जब लांघ गई थी, माँ सीते साक्षी बन जगने था देखा, उनके दिन थे कैसे बीते, अब कलयुग की लक्ष्मण रेखा का ध्यान तुम्हें रखना होगा, फिर भी घर से बाहर निकले व्यापक सुख को तजना होगा, इतिहास यही दोहराता है जो भी त्रुटि को दोहरा, इतिहास यही दर्शाता है जो भी त्रुटि को दोहराता है उसकी त्रुटि ने बन महानाश उसका अस्तित्व मिटाया है आज ये कैसा क्षण आया है, आज ये कैसा क्षण आया है।